पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर रीवा ने रीवा एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण किया। संभावना है 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का जो कि रीवा में बनेगा उसके उद्घाटन के लिए रीवा आ सकते हैं। प्रदेश के 6ठे एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 फरवरी को हो सकता है, जिसके चलते पूर्व मंत्री रीवा विधायक सहित अधिकारियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री 15 फरवरी को रीवा एयरपोर्ट का कर सकते हैं शिलान्यास। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर, रीवा एयरपोर्ट का संभावित शिलान्यास 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन के मौके पर रीवा आ सकते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर ने शिलान्यास तैयारियों का जायजा लिया। रीवा विकास यात्रा के दौरान विंध्य के विकास को नया आयाम देने के लिए जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए चोराटा हवाई पट्टी का रीवा एयरपोर्ट के रूप में विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हो चुका है। एयरपोर्ट निर्माण का संभावित शिलान्यास 15 फरवरी को होना लगभग तय हो चुका है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 15 फरवरी को रीवा दौरा प्रस्तावित है। इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने संभावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। श्री शुक्ल ने बैठक लेते हुए कहा, रीवा एयरपोर्ट विंध्य के विकास को नई गति देगा, प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। अभी रीवा हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य शुरू किया जा रहा है। 1400 मीटर की हवाई पट्टी को मजबूत करने का कार्य शुरू होने जा रहा है। यह निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद रीवा में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। यह शीघ्र ही 72 सीटर प्लेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में पर्यटन उद्योगों के विकास तथा चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर अवसर मिलेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास किया जा रहा था, अब जाकर सफलता मिली है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री के रीवा दौरे का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है, ऐसा कहना था पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया, एयरपोर्ट निर्माण के लिए हमने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज कर दी है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा हमें 255 एकड़ जमीन का और अधिग्रहण करना है। इसकी कार्रवाई हम एक माह में पूरा कर लेंगे। वर्तमान में उपलब्ध जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार का कार्य शुरू करने हम जा रहे हैं। माना जा सकता है ये अपने आप में एक काफी बड़ी खबर है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। रीवा में प्रदेश का जो 6वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन की संभावना 15 तारीख को है। मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसका भूमि पूजन करेंगे, उसी का निरीक्षण करने हम लोग यहाँ पर आए थे। और लंबे समय से ये प्रतीक्षा रही है कि और मांग रही है कि विंध्य क्षेत्र एक ऐसा है जो एयर कनेक्टिविटी से अभी अछूता है, जिसके कारण यहाँ का विकास पर विपरीत असर पड़ रहा था। टूरिज़्म हो, निवेश हो, इंडस्ट्रियल और मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में भी बेहतरी हो, इसके लिए एयर कनेक्टिविटी उतनी ही ज़रूरी है जितना हाईवे की और रेलवे की कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो लंबी कवायद के बाद ये स्वीकृति हुई है और अब इसका भूमि पूजन हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और हम सब मुख्यमंत्री जी का और सिंधिया जी का स्वागत करेंगे और इस सौगात के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनको धन्यवाद देंगे।